मेरा टॉप घर की घर कौन है सबसे बड़ा वो मुझे देखना है। चलो तो जल्दी शेयर करो। तो आर यू स्टार्टिंग अ बात? यार आई एम, मगर अभी बात फिल होने में टाइम है। देखो अभी तो बिल्कुल नहीं भरा। मर्जी का मतलब ज्यादातर मर्द ये लगा रहे हैं कि भाई हम लड़कियों को बिकिनी पहन के घूमना है और हमको जाकर 100 मर्दों के साथ सोना है। बस इन लोगों की समझ में सिर्फ ये आता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की सिर्फ एक ही कहानी है। दूसरी बात, बच्चे पैदा करती हैं औरतें, इतने बच्चों की लाइनें लगा देते हैं पाकिस्तान में। गरीब झोपड़ वहां जाओ ना, झोपड़ी में, अभी कहां पर कराची में कहीं पे आग लगी थी, 6 बच्चे खाने के लिए नहीं है, झोपड़ पट्टी में आप रह रहे हो मगर 6 बच्चे पैदा कर लिए। क्यों? खाने पीने के लिए औरतों को हक होना चाहिए। मैं ऐसी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो 12-12 बच्चे पैदा करते हुए मर गई हैं। क्यों? क्योंकि उनके मर्द उनको ठोक 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 के प्रेग्नेंट करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा उस औरत के साथ, औरत कितने बच्चे पैदा करेगी। हमारा जिस्म है, हमें पता है एक बच्चा पैदा करने के बाद मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कितनी चेंजेस आई हैं। 6-12 बच्चे पैदा करके औरत की तो वाकई फट जाती है और मर जाती हैं औरतें। तो हमारी चॉइस है, हमें बच्चा पैदा करना होगा तो हम करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, मेरी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को बताओ कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं और हमें किसके साथ सोना है। बहुत सारी शादियों में ये होता है कि औरतों को शादी हो जाती है, मर्दों से पहली दफा मिल रही होती है, अरेंज मैरिज हो गई। अब वो होता है कि नहीं भाई, यू हैव टू स्लीप विद देम, इनके साथ सोना ही सोना है, चाहे आपका दिल हो या ना हो, आपको उस मर्द के साथ सोना ही सोना है। एक औरत के लिए ना सबसे मुश्किल काम ये होता है उस मर्द के साथ सोना जिसके साथ उसको प्यार ना हो। हाँ नहीं नहीं, लड़कियों को जाहिल रखो ना, लड़कियों को पढ़ने मत दो, औरतों को काम नहीं करने दो, अपने पांव पे खड़े नहीं होने दो, ताकि वो तुम लोगों की मोहताज रहे, ताकि तुम लोगों की मोहताज रहे, राइट? लड़की पढ़ने चली जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। लड़की को जाहिल बना के रखो, ठीक है ना? तुम जितने यहाँ पे मेरे को लानतें भेज रहे हो ना, जितने यहाँ पर बेशरम बेहुदा बेहुदा, काश खुदा इन लोगों की सबकी गांड में ना दो दो डंडे प्लीज कोई आके दे दे, क्योंकि इनका जिस्म है और इनकी मर्जी तो है नहीं, ठीक है ना? तुम लोगों का जिस्म है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो आके ठोकने दो, ठोकने दो ना किसी को अपने आके अपनी गांड पे। नहीं उस वक्त तो नहीं ना, उस वक्त आपकी आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी। प्लीज स्टॉप दिस। इनको गालियां ही सुननी पड़ती हैं जब वो बेंच पर बैठ के गाली दे रहा है उस औरत को जिसने सिर्फ शटअप बोली थी। मुझे कोई शटअप बोलेगा तो मैं तो वैसे ही करूंगा। शटअप कोई गाली नहीं होती, जाहिल इंसान। पता नहीं किस तरह से तू इतना बड़ा बन गया मीडिया में, मीडिया में रहते हुए बकवास कर रहा है। भाई इतने बड़े मुल्ला हो तो तुम मीडिया में कर क्या रहे हो? हाँ तुम्हारा हिसाब तो तुमको ये बनाने से ही मना करता है, ड्रामे बनाने से, तस्वीरें बनाने से। तो अपनी हिपोक्रेसी कम करो, जाके मुसल्ले पे बैठो इससे पहले कि दूसरी औरतों को बोलो। समझ में आई ना? आई स्टैंड विद ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन्स राइट, क्योंकि एक ये इंसानी हक है। डजंट मैटर, मैं ऐसे मुल्क में हूं जहां पे जानवरों के भी हकूक है, यहाँ पे कुत्तों के हकूक है, बिल्लियों के हकूक है, तुम लोग वहां पे औरतों को हकूक नहीं दे सकते? अल्लाह कहता है कि मर्द को औरत पे फौकियत है। क्यों? क्यों? औरत तुम्हारा खिलौना है, हम खिलौने हैं तुम्हारे, बेंचो क्यों? किसने कहा? किसने कहा अपनी तरफ से बना के ले आते हो? अल्लाह ने ये कहा? अल्लाह ने वो कहा? अल्लाह ने कुछ नहीं कहा ऐसा वैसा। समझ में आई ना बकवास? एक बंदा लिखता है कि हम उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो घर में रहे, हिजाब पहने और ये करें। प्रॉफिट मोहम्मद की पहली जो बीवी थी ना, वो खदीजा, वो क्या थी? वो ही यूज्ड टू बी ट्रेडर, वो काम करती थी, काम करती थी, बाहर निकल के काम करती होगी ना, घर में बैठ के तो काम नहीं करती थी। तो जब तुम लोगों की खुद की किताब में लिखा हुआ है कि औरत को राइट्स मिलने चाहिए, तो तुम लोग भैंचोद कौन होते हो? तुम लोग भैंचोद कौन होते हो? तू पैदा ही नहीं होती। अच्छा नहीं, मैं पैदा नहीं होती हूँ, तुम जैसे गांडुओं को कौन ठीक करता, कौन सुनाता? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है तुम जैसे गांडुओं को ये सुनाए। समझ में आई ना? बाय गाइस, जस्ट मेक यू, जाओ जाओ सब लोग एक काम करो, जितने लोग खलील रहमान को पसंद करते हैं जाके उनकी गांड ठोको, जाके गांड ठोको, चाटो, ऐ तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तुम उनके पट चीज हो गए, तुम उनके लेफ्ट चीज हो गए, खलील रहमान को बड़ा मजा आएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जल्दी जाओ सारे खलील रहमान के पास, जाओ जाओ सब इतने ग्रेट। मैंने इससे पता चलता है कि हमारे पाकिस्तान में कितने चूतिया हैं। बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।